अधिकारियों द्वारा रिश्वत लेना और लोकायुक्त द्वारा कार्रवाई करना आम बात हो चुकी है, उसके बाद भी बाबू हो या अधिकारी रिश्वत लेने से बाज नहीं आते। ताजा मामला डबरा का है, जहां ग्वालियर लोकायुक्त की टीम ने दबिश देकर तहसील कार्यालय पर एक बाबू को 3,000 की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। बाबू नामांतरण के नाम पर रिश्वत की मांग कर रहा था। डबरा तहसील के ग्राम गोबरा ब्रत निवासी फरियादी उदय भान सिंह रावत का एक नामांतरण प्रकरण छीमक मंडल में लंबित था, जिसके लिए वे काफी लंबे समय से चक्कर भी लगा रहे थे। नामांतरण न होने के चलते बाबू ओम प्रकाश से उनकी बातचीत हुई तो मामला 3,000 रुपए में तय हो गया। इसी राशि को देने के लिए वे गुरुवार को तहसील परिसर स्थित मंडल के कार्यालय में जा पहुंचे, जहां बाबू ओम प्रकाश को पहले से ही तैयार बैठी लोकायुक्त की टीम ने रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। इस पूरी कार्रवाई से पूरे तहसील परिसर में हड़कंप मच गया। पूरी कार्रवाई में लोकायुक्त डीएसपी प्रद्युमन पराशर, थाना प्रभारी राघवेंद्र सिंह तोमर, एसआई सुरेश सिंह कुशवाहा सहित पूरी टीम शामिल रही। अपनी पत्नी के नाम पर आई, उसके नामांतरण में उसकी फाइल 3 बार लगा चुका हूँ, कई बाबुओं को पैसा भी दे चुका हूँ, लेकिन कोई किसी बाबू का ट्रांसफर हो जाता है कोरोना के चक्कर में, लेट भी हुई। लेकिन इस बार मैं साहब के पास आया, सिंगर साहब के पास, तो उसमें अकेला ही आया था मैं सिंगर साहब से बात की, साहब मेरी पत्नी के नाम की फाइल है, तो सिंगर साहब ने मेरे को दरवाजा भगा दिया, बोले जाओ अपनी पत्नी के नाम, अपनी पत्नी को बुला के लाना। मैं बाहर निकल के आ गया, मेरी पत्नी गतिया थी, मैं उसको लेके आया, नामांतरण के लिए 5,000 रुपये मांगे थे, मैंने बाबू झटका, मेरे को 5,000 रुपये नहीं है, उन्होंने बोले ठीक 3,000 रुपये दे रहे हैं। आज मैंने बाबू को 3,000 रुपये दिए, तो कहते मतलब उन्होंने मेरे को कलर लगा के दिए थे, मैंने उनको दिए, उन्होंने जिमरा कर लिया। ये उदयवान सिंह रावत एक शिकायतकर्ता हैं, उन्होंने हमारे यहाँ शिकायत की थी कि तहसील के छीमक के जो लीडर है ओम प्रकाश शर्मा, वो नाम उनकी पत्नी के नामांतरण का प्रकरण है जो उनके न्यायालय में लंबित चल रहा था, और नामांतरण उनका लंबित था, तो उस नामांतरण को करने के एवज में वो 3,000 रुपये रिश्वत की मांग रहे थे। उस संबंध में शिकायत उनके द्वारा हमारे यहाँ की गई, हमारे द्वारा इनकी वॉइस रिकॉर्डिंग भी रिश्वत मांगने की दर्ज की गई है, और उसके बाद आज ड्रेफ की कार्रवाई की गई, जिसमें 3,000 रुपये इनके द्वारा ओम प्रकाश शर्मा जी के द्वारा लिए गए और उनको रंगे हाथों पकड़ा गया है। घटना से इतना तो तय है कि शासन ने भले ही नामांतरण की प्रक्रिया सरल बनाने की बात की हो, पर अधीनस्थ कर्मचारियों के चलते प्रक्रिया सरल होने की जगह काफी जटिल हो चुकी है, जिसके कारण लोगों को अधिकारियों के दरवाजे पर चक्कर लगाने पड़ रहे हैं, जबकि होना ये चाहिए कि रजिस्ट्री के तत्काल बाद नामांतरण हो जाए, जिससे ग्रामीण अंचल के लोगों को बार बार तहसील के चक्कर नहीं लगाने पड़े।